दास अभी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालना। अब जेड कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। ये हमारे पास चार्ट गिवन है, ये हमारे पास चार्ट गिवन है स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये एरिया अंडर द कर्व वाली वैल्यूज दी हुई है। ये वाला जो पेज है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पेज है पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब पार्ट ए को देखें, जेड इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू आ रही है, जेड इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अब ज़ीरो पे हमें क्या करना है, अब यहाँ देखें ज़ीरो का क्या मतलब है, पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, पॉइंट ज़ीरो और ज़ीरो, इस रेशियो में देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 0.50। एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, 0.50। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अब पार्ट टू में देखें, 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। अब आप इसमें देखें पॉजिटिव 1 का क्या मतलब है, 1.0। अब इस चार्ट में देखें, ये पॉजिटिव वाला पेज है, 1.0 और ऊपर से भी 0.0 वाली हम लाइन लेंगे। अगर 0.01 वाली लाइन ली तो क्या बन जाएगा, 1.01 बन जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, 1.0 और ऊपर से 0.0 वाली लाइन लेनी है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0.8413 एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वाले पार्ट में क्या है, -1। माइनस वाले चार्ट को देखिए, -1 का क्या मतलब है, -1.00, -1 यहाँ पे, और इस वाले वो कॉलम में देखेंगे 0.00 की लेवल पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 0.1587। अब तीसरे वाले पार्ट में क्या है, -2.1। अब माइनस टू का क्या मतलब है, -2.00। माइनस वाले चार्ट पे देखें, -2.00 की लेवल पे देखें कितनी वैल्यू आ रही है, 0.0228। क्योंकि ये हमारा सिचुएशन का आ रहा है, ये इन बिटवीन का आ रहा है। 1 पॉजिटिव 1 का कितना था, जो हमने पहले निकाला था, कितनी वैल्यू है, 0.8413। दोबारा आपकी तसल्ली के लिए हम चेक कर लेते हैं, 1.0.00 वो कितनी वैल्यू आ रही थी, 0.8413। हमारा इन बिटवीन में क्या आ जाएगा, 0.028 से लेके 0.841 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होगी। और इसमें क्या था, ग्रेटर देन 0.1587 प्रोबेबिलिटी होगी एरिया अंडर द कर्व होगा। इसमें क्या है, लेस देन 0.8413 प्रोबेबिलिटी होगी एरिया अंडर द कर्व होगा। और इसमें क्या, ग्रेटर देन 0.50 से ऊपर हमारा एरिया अंडर द कर्व होगा या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका फाइनल आंसर इस तरीके से मालूम होगा। अब एग्जाम में ये बात की जाती है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि या तो आपको ये चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा या तो उसकी वेरियस क्वेश्चन के साथ दी जाती है। आपने ये खुद नहीं लेके जाना कभी भी एग्जामिनेशन हॉल, आपने अपना फार्मूला याद करना है, आपने जेड तक वैल्यू निकालना है। हो सकता है शायद आपसे वेरिएबल तक की वैल्यूज पूछी जाए, अगर एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको ये चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा या क्वेश्चन के साथ कई वैल्यूज लिखी हुई होगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आ, यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।